हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, देखिए टाटा ग्रुप का ये शेयर है, मात्र 70 रुपीज़ का शेयर है। कभी 60 से 70-75 के आसपास ट्रेड करता है, इसी रेंज में भी कुछ टाइम से ट्रेड कर रहा है और आने वाले टाइम में आपको मालामाल कर सकता है ये शेयर। अगर आप इसके डिटेल्स देखें, फ्यूचर पर्स्पेक्टिव देखें, तो आपको लगेगा कि हाँ, जो भी ये काम कर रहा है बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम कर रहा है और आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए बात करते हैं शेयर की डिटेल में और जानते हैं इसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल सारी चीज़ों को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। टाटा पावर अगर आप देखें, ये देखिए ये चार्ट है इसका, बिल्कुल कुछ टाइम से निचला स्तर पर जा रहा है और अपना कुछ आने वाले टाइम में एक धीरे धीरे करके यहाँ से इसको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स की पहले बात करते हैं। टाटा पावर मेनली पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन की कंपनी है, पावर जनरेट करती है एंड मेन ग्रिड्स पे भेजती है, और पावर ट्रेडिंग, पावर सर्विस से रिलेटेड जितना काम है वो टाटा पावर के अंदर आता है, चाहे वो सोलर की बात है या नॉर्मल कोल माइंस में, मतलब मल्टीपल पावर प्रोजेक्ट्स टाटा पावर के पास हैं। देखिए टाटा की बहुत सारी कंपनीज है, कई लोग जैसे आपने भी देखा होगा अदानी पावर, रिलायंस पावर, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि अदानी और रिलायंस ग्रुप पे इतना विश्वास नहीं करते शेयर की खरीदने की बात जहाँ पे आती है, और टाटा पे बहुत मेजर इन्वेस्टर्स का भरोसा टाटा पे कायम रहता है। चाहे इवन टाटा मोटर्स भी गिरा हुआ क्यों नहीं है, फिर भी लोगों का भरोसा वहाँ पे कायम है। चाहे आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करो, टाटा केमिकल्स की बात करो, टाटा के बहुत सारे शेयर्स मार्केट में हैं, लोगों का, इन्वेस्टर्स का भरोसा टाटा पे रहता है, ये मैंने अक्सर देखा है। आप देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,000 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस 70 का है, पी रेशियो 21 के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 6% 5% के अराउंड है। सेल्स ग्रोथ में कहूँगा अभी के टाइम में नेगेटिव है, बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट लगती है पावर सेक्टर में खास करके। लेकिन इस शेयर में सबसे बढ़िया बात यह है कि जिस हिसाब से इसका करंट प्राइस है, उस हिसाब से इसका अर्निंग पर शेयर बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात करते हैं पावर कंपनीज की, तो देखिए NTPC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये सब तो गवर्नमेंट कंपनीज आ जाती है, और NHPC। अब आते हैं प्राइवेट प्लेयर, जहाँ पे आते हैं अदानी, टाटा, टोरेंट, जिंदल। तो यहाँ पे अदानी पे तो लोगों को इतना भरोसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी टाटा पावर पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। और अगर मैं यहाँ पे आपको टेक्निकली दिखाऊँ टाटा पावर की बात, देखिए टेक्निकल लेवल पे जो सपोर्ट जोन है, जो लोअर बैंड दिख रहा है अभी के टाइम में, वो है 56 रुपये से 60-62 रुपये तक। तो इस रेंज में आके इसको बाउंस बैक मिलता है, और ये जो डाउन ट्रेंड लाइन चल रही है वो धीरे 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 करके क्लोज आएगी और ये ट्रायंगल बंद होगा, यानी कि आने वाले कुछ टाइम में इसको यहाँ से अगर इसने इस ट्रायंगल को पार किया और भी बहुत स्पीड से, तो वहाँ से एक ब्रेकआउट का चांसेस मिलेगा। और यही रेंज है इसकी बाइंग की रेंज है, एकुमुलेशन की रेंज है, अभी एकुमुलेशन जोन चल रहा है, कुछ टाइम बाद ही आने वाले 3-4 सालों में अच्छा खासा रिटर्न देने की उम्मीद रखेगा। तो यह है टाटा पावर की डिटेल्स। अगर मैं टाटा पावर के न्यूज़ से रिलेटेड बात करूँ, अभी इसने प्रयागराज पावर को ओवरटेक किया था और वहाँ पे यूपी गवर्नमेंट के साथ इसके डिस्कशन चल रहे हैं कि पावर टैरिफ कम नहीं किए जाए प्रयागराज पावर में। तो अभी मुंबई में अगर आप देखो तो मेजरली जो कनेक्शन है वो टाटा पावर के कंज्यूमर बेस, टाटा पावर का ऑलमोस्ट 7 लाख कंज्यूमर बेस मुंबई में इन्होंने अभी पार किया, और कस्टमर को रिटेन करने में मतलब कस्टमर रिटेंशन बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे रह रहा है। और अगर आप देखें टाटा पावर और अदानी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मुंबई में मेनली चल रही है, लेकिन टाटा पावर ने अभी बढ़िया एक कंज्यूमर बेस वहाँ पे बना लिया, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज हो रही है धीरे धीरे करके, भी बड़ी सिटीज़ में, फिर छोटी सिटीज़ में भी वही होगी, तो यहाँ पे फिर इन कंपनीज को अच्छा खासा फायदा होगा। अभी के टाइम में तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही इतनी ज़्यादा है कि इतना प्रॉफिट ये कमा नहीं पा रहे, लेकिन 3-4 साल डाउन द लाइन अच्छा खासा रिटर्न इनमें मिलने के चांसेस हैं, इन कंपनीज को प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब टाटा पावर की अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूँ, तो देखिए बहुत सारी FII, ऑलमोस्ट 350 FII ने इन्वेस्ट कर रखा है, 50 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन्वेस्ट कर रखा है, और LIC का 10.47% होल्डिंग है, टाटा सन्स का अच्छा खासा होल्डिंग कितना है 31%, तो प्रोमोटर ही है। तो आप देख लीजिए ज़बरदस्त तरीके से FII, म्यूचुअल फंड, LIC का जोर दबा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी राय जरूर दीजिए टाटास के बारे में या फिर अदानी या अम्बानीज के बारे में। अगर आपको चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।